पड़ोसी ने गेट खुलवाया है कि भाभी जी आपका हमें झूमर खोलना है, गेट बंद था, देखते देखते रसोई में को ले गए लिवा करके। अच्छा। चाकू आगू से जो बार किया है रसोई में ले जा करके किया है। खुद को बचाने के चक्कर में उंगलियां जो है वो दोनों हाथों की उंगलियां जो है लगभग अधकटी हो गई, कट गई, गला काफी अंदर तक जो है वो कट चुका है। एक महिला का दिन दहाड़े गला काट कर हत्या करने की कोशिश की गई है। पड़ोसियों ने ही इस क्राइम को अंजाम दिया। जो पड़ोस में ही रहने वाले हैं, दो या तीन घर छोड़कर उनके मकान हैं, मगर उसके बावजूद भी दिन दहाड़े घर में पहुंचते हैं, बहाने से दरवाज़ा खुलवाते हैं कि आपके घर में जो झूमर है हमें उसका फ़ोटो खींचना है, हमें अपने घर में वो झूमर लगवाना है। दरवाज़ा जैसे ही खोल देती हैं इन पर वार करने वो लोग शुरू कर देते हैं। गला काफ़ी ज़्यादा कट चुका है। मामला बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद का है। पापा हैं आप? अच्छा अच्छा, थाने में है पति। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ, इतना बड़ा ही मामला हो गया, क्या कहेंगे कैसे? पड़ोसी ने गेट खुलवाया है कि भाभी जी आपका हमें झूमर खोलना है, गेट बंद था, और जब जान पहचान थी आप सामने गए था तो उसने गेट खोल दिया है और अंदर जा कर के फिर अपना लूटपाट के उद्देश्य से इनको जो है का मतलब देखते देखते रसोई में को ले गए लिवा करके। अच्छा। वहाँ पर इनके साथ में वार्तालाप करा, चाकू आगू से जो बार किए वो रसोई में ले जा करके किया है। रसोई में? रसोई में। तो जो झूमर लगा हुआ था वो रसोई में था? मेन गेट के बाहर ही है, मेन गेट के अंदर ही है, ऊपर लगा हुआ है। तो इतने अंदर तक लेकर चले गए ऐसे, मतलब और भी देखना हमें फोटो खींचने उस तरह से। पड़ोसी ही तो है वो, पड़ोसी में ही। हाँ रहते हैं। हाँ जी। कोई दुश्मनी नहीं किसी तरह? कोई दुश्मनी नहीं, कोई कैंसुलन नहीं किसी तरह, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पूरी तरह से इन पर वार किए गए, खुद को बचाने के चक्कर में उंगलियां जो हैं वो दोनों हाथों की उंगलियां जो है लगभग अधकटी हो गई, कट गई, गला काफ़ी अंदर तक जो है वो कट चुका है। बिल्कुल बोलने के लिए डॉक्टरों ने फिलहाल जो है मना कर दिया है। और दुश्मनी कोई नहीं है, बड़ी बात ये है, कोई दुश्मनी नहीं है किसी तरह की। हालांकि अभी तक लूटपाट की कोई किसी तरह की कोई संतुष्टि अभी नहीं हो पाई कि लूटपाट की गई है, मगर जानलेवा हमला आखिर इतनी बुरे तरह से क्यों किया गया? कोई पकड़ा गया है उनमें से? हाँ, एक पकड़ लिया गया है। एक ही? दोनों पकड़े गए? नहीं, जो पड़ोसी है वो भाग गया, जो दूसरे को साथ लेकर आया जैसे इन्होंने शोर मचाया उसको पब्लिक ने आकर के पकड़ लिया और उसके थोड़े बहुत पिटाई विटाई भी किया। अच्छा। हाँ, और वो पुलिस को 112 नंबर पर फोन किया है। हाँ। पुलिस आ गई, पुलिस ने उसको हवाले कर दिया, पुलिस के थाने में। थाने में मेरी जिठानी है। जिठानी है? हाँ जी। आप कहाँ थी उस टाइम पे? मैं अपने हस्बैंड को बुलंदशहर लेकर आई थी, उनका ऑपरेट हुआ है अभी हाइड्रोसिल का। हाँ। तो मैं पट्टी कराने के लिए यहाँ बुलंदशहर आई हुई थी। मैं 1 बजे करीब घर पर पहुंची हूँ, तो मैंने मेरा गेट इनका दीदी का पीछे है, घर मेरा इनसे आगे है, तो मुझे मेरे जो मेरे सामने का पड़ोसी है उसने आवाज़ दी है। मैं तुरंत गाड़ी में से उतरी हूँ, तभी उसी टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा। उन्होंने बोला कि तुम्हारी जिठानी के कुछ हो गया है, राजेश्री जल्दी आओ दौड़ के। मैं वहाँ पर पहुँची हूँ तो दीदी बिल्कुल जख्मी थी, वहाँ पर इनके जो किराएदार रहते हैं वही नीचे थे। तो फिर मैंने इनको फौरन एक भैया से रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल लेकर आई, वहाँ पर यशराज हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ लेकर गई। उन लोगों ने मना कर दिया, फिर मैं यहाँ सरकारी में लेकर गई थी। क्या बात मान के चले, क्या ऐसा अनुमान है कि इनके ऊपर ऐसा हमला किया गया? जैसे आप वहीं रहते हैं, कोई उनसे कभी झगड़ा बच्चे बच्चे के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं है, हमसे हमारी उनसे बोला चाली है, दुआ सलाम होती रहती है। किराएदार जो है वो ये है ना, ये सामने जो है भैया, थोड़ा आना भैया इधर आ जाओ। इनके ताऊ के बेटे हैं वो, आपके ताऊ के बेटे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई ऐसी दुश्मनी हो आपको मारने के लिए वहाँ आए हो या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी तो कोई दुश्मनी नहीं है, वो चाचा के लड़के हैं तुम्हारे। हाँ, तुम इनके मकान में रहते हो ऊपर? हाँ। फिर उस वक्त तो वहीं थे ना आप जब ये क्राइम हुआ था? हाँ, हम ऊपर खाना खा रहे थे और बराबर वाले जो किराएदार हैं उनके आवाज आई के नीचे भाभी को कोई मार रहा है, आप जल्दी आओ। मैं डंडा लेके भागा तो इतने में वो भाग गए। भाग गए? हाँ, जिनमें से एक को पकड़ लिया। कितने वार किए, कितनी देर तक ये चला होगा वहाँ पर? क्योंकि उंगलियों के उंगलियों में जो कट लगे हुए हैं, उंगली ज़्यादा कट चुकी है बता रहे हैं, आधी आधी उंगली जो है कुतर गई हैं। काफ़ी देर तक इन्होंने बचाने की कोशिश, 15 टांके हुए, 15-20 टांके उंगलियों में हैं। हाँ, इनके बयान इन्होंने बताया था भाभी ने कि मुझे पकड़ा, एक ने पकड़ा था और दूसरा चक्कू से बाहर कर रहा था। अच्छा, एक ने पकड़ा हुआ था? हाँ, और ये बचाव की वजह से इनके हाथों में दोनों में
कट लग उसको खूब बचाने की कोशिश की है। बहुत इन्होंने बहुत कोशिश करी है, हिम्मत करके इन्होंने हटाया है उनसे। तब इन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं हटा रही थी तब ये मेरे हाथ कटे हैं। जैसे मैं रो रही तो इन्होंने कहा कि रो मत, हिम्मत से काम ले सबको। आपकी सिस्टर है? हाँ जी। कभी इन्होंने कुछ बताया ऐसा कि भाई झगड़ा? कभी कुछ नहीं, किसी से मतलब ही नहीं है इतना, ये तो सबसे इतने प्यार से रहते हैं। चलिए खैर, फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह का जो है इनके ऊपर वार किया गया है, और काफ़ी गहरा वार है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते। वीडियोस हैं, सारी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि ख़तरे में तो खैर फिलहाल इतना नहीं है, क्योंकि अगर होता तो बाहर भेज दिया जाता, फिलहाल खतरे से बाहर हैं। और दोनों आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। सहयोगी मुख्यमंत्री के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर। मातृ छाया हॉस्पिटल दिल्ली जैसी सुविधा अब बुलंदशहर में पहली बार। गुर्दे की पथरी दूरबीन द्वारा किडनी स्टोन एवं प्रोस्टेट का ऑपरेशन, किडनी का कैंसर दूरबीन द्वारा सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा। पता है आरटी ऑफिस के सामने, दिल्ली रोड भूड़, बुलंदशहर।